दोस्तों नमस्कार। वैसे तो शिक्षा का अधिकार सबको ऐसे भी अच्छा पढ़ते हैं, पर मैं एक बात कहना चाहूँगा। मैं खुद गांव से निकला व्यक्ति हूँ और शेखावाटी से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यहाँ पढ़ाई का एक बहुत अच्छा वातावरण है। लेकिन कई बार हमारे कुछ जगह बच्चों को पढ़ाने में हमारी घर की महिलाएं थोड़ा सा विरोध करती हैं, बच्चों को घर से बाहर कहाँ भेजेंगे। और जब बात आती है बेटे को पढ़ाने की, तो कई बार कुछ दादी की उम्र की जो हमारी माएँ होती हैं, उनको लगता है बेटियों घर से बाहर कहाँ भेजेंगे। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ हमारे उस ग्रैंड मदर फादर को, जो बेटियों को बाहर पढ़ने भेजते हैं। और उसके बाद बात करूँ मैं, जैसे मेरे पास बैठे दो मुस्लिम परिवार है, मैं ये नहीं कहता कि आपके पढ़ाई में थोड़ा माहौल कम है, लेकिन थोड़ा सा इस बात को अपन थोड़ा स्वीकार देते हैं कि पढ़ाई का वातावरण थोड़ा सा अब भी कम है। इसलिए मैंने दोनों बच्चों को एक साथ बैठाया है। आप सिमरन मेरी बहुत लाडली बेटी है, जिसका स्कोर दोस्तों 685 है, और आप मेरे साथ बैठे अब्दुल जहीर खान, आपका स्कोर 660 है। आप झुंझुनू से हैं, आप भीलवाड़ा से हैं, और ऐसे हमारे करीब 7 से 8 बच्चे और हैं जो मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं और सिलेक्ट हो रहे हैं। आपके रूममेट जो मेरे ड्राइवर की बेटी है सानिया, वो भी सिलेक्ट है। और मैं ये बात इसलिए कोट कर रहा हूँ कि सानिया की बड़ी बहन, वो साइंस अच्छी इंटेलिजेंट थी, बट केवल वो हमारी माँ ने, मैं दायित्व की माँ को मैं माई बोल, माँ ने उसको ये कह सकता हूँ कि छोटे कटे में जगह श्रम वाले, उसके कारण वो लड़कियाँ डॉक्टर नहीं बन पाई। इसलिए मैं इस वीडियो को देखने वाले सभी अपनों से अपील करना चाहूँगा कि बेटा हो या बेटी हो, चाहे वो कहीं का गाँव का हो शहर का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। शिक्षा पे अधिकार सबका है, शिक्षा पे सबका अधिकार है, और शिक्षा एक वो हथियार है जिसकी कोई काट नहीं है। ये शिक्षा ही है कि सुबह अखबार बेचने वाला वो बिखरी जुल्फों वाला देश का राष्ट्रपति बन जाता है। भाई सब कुछ शिक्षा ही है। हाँ, मैं कलाम साहब को प्रणाम करते हुए मैं मेरी बात बच्चों पे लेके आता हूँ। तो सबसे पहले मैं सिमरन के फादर टीचर हैं, तो मैं चाहूँगा सिमरन के फादर अपना पूरा देते हुए पीछे पर बात रखें। सिमरन हॉस्टल में रही, किस तरह रही, क्या रही, आप पूरी बताएं, फिर हम सिमरन से बात करेंगे। सबसे पहले श्री को नमन, और इसको चलाने वाले नहीं मैं कहूँगा मंदिर के पुजारी माननीय श्रवण जी, जिनको बच्चे और अभिभावक सभी बहुत के नाम से जानते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सैल्यूट। इन्होंने एक सपना देखा था 25 साल पहले, टीचर एक एजुकेशन हब बने, इनके ऊपर कोई कृपा दृष्टि है, जो सपना ये लोग देखते हैं वो पूरा हो जाता है। 25 साल पहले टीचर, मेरा जन्म टीचर का है, उस समय ऐसा कुछ नहीं था टीचर की पहचान। मेरी 25 साल पहले एक इंजीनियर ने एक सपना देखा कि मैं इंजीनियर बन के कोई नौकरी न करूँ, मैं इंजीनियर बनाऊंगा, मैं डॉक्टर बनाऊंगा। इनका सपना पूरा हुआ, उन्होंने सपना देखा शहर के बड़े बड़े डॉक्टर के बेटे डॉक्टर ना बने, बड़े अधिकारियों के बेटे डॉक्टर ना बने, इंजीनियर ना बने, गांव से गलियों से ढानियों से इंजीनियर और डॉक्टर निकल के आए। वो सपना भी उनका पूरा हुआ। उसके बाद पिछले साल उन्होंने सपना देखा था कि PLC के 700+ के बच्चे आए, एक बच्चा 700+ का जरूर आए, और इनका सपना माँ सरस्वती की पूरी कृपा आई थी। 4 बच्चे जो आने वाले थे, किसी एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से एक बच्चा रह गया, मैं उसको आज भी 700+ मानता हूँ, 700+ पूरा हो गया। अब बहुत PLC मेरा परिवार की तरह से है। अब आपसे हमारी मांग ये है कि अगली बार आपका सपना 700+ का होना चाहिए। खान साहब एक बिल्कुल बताऊँ, आप कितने लोगों दुआएं मेरे साथ हैं, या तो इंडिया में 21 की नीट में 700+ किसी का आएंगे नहीं, और आएंगे तो वो थोड़ा थोड़ी मेरा होगा, ये गारंटी है मेरी, ये बिल्कुल जिद है मेरी। इस पे कम हम स्वीकार भी नहीं करेंगे PLC से। अब मैं बताता हूँ, जब वहाँ गांव में इतने सेकेंडरी किया और हमने और इतने सपना देखा कि डॉक्टर बनना है, तो हम सीकर आए बिना किसी मार्गदर्शन के, बिना किसी मतलब के। ये देखा कि सीकर में बहुत सारी कोचिंग्स हैं, हम 3-4 कोचिंग से घूमे भी, लेकिन जब PLC में आके देखा, हर कोचिंग ने अपना स्कोर कार्ड दिखाया, अपने रिजल्ट दिखाए, अपने टेस्ट सीरीज दिखाई, सभी के पास होते हैं, जैसा कि बहुत बोलते हैं, सभी संस्थाएं अच्छी हैं, लेकिन जो अनुशासन
जो डिसिप्लिन इस पीएलसी में है मुझे लगता कहीं और होगा। आप करके जो मुझे सुन रहे हैं या जो वीडियो में देखने वाले हैं उन सभी अभिभावकों से मेरी अपील है कि अगर आप खास करके जो बेटियों के अभिभावक हैं, क्योंकि बेटियों के अभिभावकों को एक बड़ी चिंता होती है कि संस्थान के साथ साथ अच्छा सुरक्षित माहौल मिले, अनुशासित माहौल मिले, उस लिहाज से अगर आप अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर भी बनाना चाहते हैं और सुरक्षित माहौल में छोड़कर चैन की नींद भी सोना चाहते हैं तो आप दुनिया में या देश में कहीं मत जाइए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट पीएलसी है। आप आ जाइए, दोस्त के हाथ में अपने बच्चे को सौंप दीजिए, ये आपको आपके बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाकर आपके घर पहुंचा देंगे और आपको भी यहाँ बैठा देंगे लाके, जैसा कि मुझे बैठा रखा आज। मैं बहुत आपसे एक वायदा हो करता हूँ, ये बच्चा बैठा हुआ है अभी ये एड में है, अगले साल आपको अगले साल आपको सौंप रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ, उम्मीद नहीं पूरा यकीन है कि एक दिन इसके पास भी यहाँ बैठूंगा। क्या बात है, और ये इस बच्ची की मूर्ति है, उनके दो बच्चे ही पीछे बैठे हैं, वो भी इसीलिए आए हैं, वो पीछे से अपनी माँ को अंगूठा दिखा रही थी कि मैं भी एक दिन आपको बैठाऊंगी यहाँ। तो इसी उम्मीद और विश्वास के साथ मैं सभी अभिभावकों से अपील करता हूँ कि अपने बच्चे को अगर आप डॉक्टर बनाने का सपना देखते हैं, एक इंजीनियर बनाने का सपना देखते हैं, तो आप बेझिझक बिना कुछ सोचे बिना भ्रमित हुए पीएलसी आ जाइए। मैं अपने बच्चे को यहाँ बैठा कर उन सचिन के साथ कह रहा हूँ कि आप भी निश्चित रूप से अपने बच्चे के साथ कामयाब होंगे। जय हिंद, जय। थैंक यू रफीक अहमद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। छोटा भाई पकड़े, ये है हमारे सिमरन के पिताजी। मेरे पास नीट के रिजल्ट में 3000 की रैंक तक के बच्चे हैं और आईआईटी में 5000 के बच्चे हैं। मैं यदि हमारे मुस्लिम बेटे बेटे की बात करूं तो मेरी सिमरन खान नाम की बेटी है, वो 685 नंबर के साथ है। उसके बाद रेहान खान एक बच्चा है, आया का बच्चा रेहान खान, ये बच्चा 12th के साथ है जिसके 665 नंबर है। अब्दुल मेरे पास बेटा है, 607 स्कोर है। तो आरजू कुरैशी हमारी पाली की बेटी है जिसका स्कोर 657 नंबर है। और ऐसे आईटी की बात करें तो साहिब खान का रैंक और 4300 रैंक है। तो टॉपर्स में 5 बच्चे देना बहुत बड़ी बात है, इसे एक माहौल बनता है। मेरा फ्रेंड है आपके झुंझुनू में मुमताज अली बोस, हमारे बोस है, जिनका बेटा ईशान सिद्दीकी है, तो 12वीं के साथ है, 550 के आसपास स्कोर है, उम्र से मेरे सीनियर कॉलेज के। उनका भाई श्रवण इस हमारे यहाँ सुमैयाकार नंबराकार, उनके सिलेक्शन के बाद एक अलग वातावरण बना है, माहौल का बहुत फर्क पड़ता है। हमारे मोहल्ले का बच्चा कलेक्टर बन जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ 1-2 साल में वहां से कलेक्टर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी भाई ने बात कहा, मैंने 700 की बात की, आज के 3 साल पहले हम 600 की बात करते थे, 700 की बात शुरू की, 3 बच्चे आ गए। ऐसे ही अब हम 720 की बात कर रहे हैं, आईआईटी में हम बात करेंगे इस बार 100 की रैंक की। और अगली बार ये वीडियो सब सुरक्षित है, सब अपलोड होंगे, रिजल्ट आके रहेंगे। मैं चाहूंगा सिमरन अपनी बात करें। सिमरन जय सीएलसी, सबसे पहले तो मैं बोस और सीएलसी को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि मतलब मैं अपने गांव की पहली डॉक्टर बनी। क्या बात। और जब यहाँ पर आए थे, मतलब 10th करके आए थे, तब कुछ पता ही नहीं था गांव की स्कूल से आए थे कि नीट क्या होता है या फिर पीएमटी क्या होता है। मैं ये पता था कि एमबीबीएस करने के लिए एक एग्जाम क्रैक करनी पड़ेगी आपको। तो मैं यहाँ पे आई तो जैसे पापा ने बताया कि हम सीएलसी में आए, तो यहाँ पे पापा छोड़ के चले गए, तो पापा ने बोला कि बेटा ना तो तेरे को कुछ पता है नीट के बारे में ना मेरे को कुछ पता है, बोले जो बॉस बोले ना बस वो करती रहना। यहाँ पे बॉस भी एकदम हमारे साथ गार्जियन की तरह रहते थे, हम जब कई बार आते थे बॉस के पास, बहुत सिली मिस्टेक्स बहुत हो रही है हमारी, बॉस हमारी फिजिक्स में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बॉस ने फिजिक्स ही को स्टार्ट की जिसका बहुत फ़ायदा हुआ मुझे कि मुझे मेरी फिजिक्स वीक लगती थी बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर 15 दिन तक फिजिक्स की पेपर हुए तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट अप हुआ। लास्ट स्कोर क्या था तेरा? मेरा लास्ट ये 601 स्कोर था मेरा। आप 601 से उठ के 685 पे गए, बहुत बड़ी बात होती है साहब। 84 ये फिर से यूपीएस के लिए उन बच्चों के लिए प्रेरणा है। आपके रूममेट का नाम बताएं। मेरे रूममेट का नाम सानिया है, उसके लास्ट 595 मार्क्स थे। जब यहाँ पर आए थे तो बॉस ने बोला कि तुम दोनों एक जगह शिफ्ट हो जाओ, फिर हम उसकी भी इस बार 642 मार्क्स हैं, हम दोनों साथ सिलेक्ट हो गए। हॉस्टल कृष्णा हॉस्टल में। आप कृष्णा हॉस्टल में थे। थैंक यू पुत्र, थैंक यू। अब मैं माइक दूंगा हमारे बच्चे अब्दुल जहीद खान को। आपके पिता किसान है, आप भिलवाड़ा से हैं।
भीलवाड़ा के गांव में किसान है, आपका बेटा दोस्तों नंबर 66 लेके आता है। सबसे पहले जहर को माइक दूंगा, जहर बात रखे बेटा अपने। मैं सबसे पहले बहुत से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। मैं 12th के बाद मैं यहाँ आया था, मेरे पापा ने ये CSE सिलेक्ट की और फिर यहाँ पर मैं पढ़ाई कर रहा था। मेरे शुरू में नंबर कम ही आ रहे थे, मैं 350 तक ही रह जा रहा था और उस टाइम फिर एग्ज़ाम 3 मई का होना था लेकिन कोरोना की वजह से पोस्टपोन होता गया और मैं भी घर पर चला गया था। उस टाइम मैंने टेस्ट भी नहीं दिए थे और फिर लास्ट ईयर में स्कोर 546 रहा था। और अभी इस साल भी कोरोना हुआ था और मैं इस साल भी 2 महीने घर चला गया था लेकिन फिर बहुत रोज़ वो व्हाट्सएप मैसेज करते थे और बोलते थे कि वापस आ जाओ और फिर हम मैंने उसको सुना और वापस आ गया। और उसी की जरूरत है कि हम मेरे ये दंगल में इंक्रीज मार्क्स स्टार्ट हो गए और लास्ट तक में 650 तक प्लस तक जाने लग गया था और अभी दंगल से हम बहुत खुश हैं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूँगा। थैंक यू डियर सर। आप क्या करना चाहेंगे सर? मैं तो यही कहूँगा कि भाई जो भी आदमी हो कैमरा देखे वहाँ कैमरे को देखते बोले CLC में आए और अपने बच्चों का भविष्य सुधारे और इसी के साथ बॉस को धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि ज़्यादा तो मैं बोल नहीं सकता क्योंकि किसान हूँ। जो मैं तो एक ही बात कहूँगा कि पौधा पेड़ किसी और ने लगाया और फल हम खा रहे हैं। अगर एक गेहूँ आप एक बीज डालोगे तो उसकी कितने ही वो बालियाँ निकल के कितने ही सैकड़ों संख्या में वो मतलब पैदा होता है। तो उसी तरह बॉस ने भी एक वो बीज एक बॉस है खुद जिन्होंने इतने सारे इंजीनियर और डॉक्टर्स दे रहे हैं। मैं उनको तय दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और एक और खुशी इसी खुशी के साथ हमारे एक खुशी और आई, इसकी बड़ी बहन है समीम बानू जिसने शाम को तो इनका रिजल्ट आया नीट का और सवेरे उनका रीट का आया तो 135 प्लस कर गई। क्या बात, तो दोनों का हमारे इतनी बड़ी खुशी शायद नहीं हो सकती परिवार में जो कि दोनों बेटे बेटियों का सिलेक्ट हुआ। थैंक यू। आप इसके लिए मैं मेरे पिताजी और माता जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा और उनके चरणों में से नमन है और सभी अभिभावकों से ये अपील करूंगा कि आप भी अपने बेटे बेटियों को यहाँ भेजें। और अभी मेरे सामने तो मेरे भतीजे और भतीजी बेटे हैं, वो पालिक ने चाहा तो अपने साथ यहाँ भेज दें। थैंक यू। आप कुछ बोलना चाहेंगे गुड़िया? बोलना चाहेंगे बेटा ये गुड़िया सर हमारी भांजी हमारे गाँव की सोनी परिवार से है और इनके मतलब पति यहाँ बैठे हैं ये भी कुछ दो बात कहे। ये गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैंने सर सीकर में ही रह रही हूँ, सुना था CLC के लिए लेकिन आज विजिट किया है मामा जी की वजह से और मामा जी ने यहाँ पर आकर 5 इंस्टीट्यूट में विजिट किया था, PCP, LN में, गुरु कृपा में और लास्ट डिसीजन इनका CLC का था जो शायद सबसे बेस्ट डिसीजन था इनका। और ये एक ऐसे रूरल एरिया से है जहाँ पर शायद ये फर्स्ट डॉक्टर बने हैं, वहाँ स्टडी की इतनी कोई फैसिलिटी नहीं है। दोनों बच्चों ने पूरे गांव का नाम रोशन किया। थैंक यू पुत्र। अभी जो भाई ने कहा बच्चा 9th में है, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ सभी से कि देखो कुछ सालों पहले बच्चे 12वीं पास करके कोचिंग आते थे फिर बच्चे 11th पास करने लगे। आज आप देखो ना IIT का टॉपर संजय पूनिया 12वीं के साथ है, 12th की टॉपर चारू 12वीं के साथ है, तो 12वीं के साथ बच्चे टॉप कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद बच्चे 9th से संजय 9th वाले पास आ गया था, आप 6th क्लास 6th क्लास से बच्चों को अभी सौंपे अपना खुद का स्कूल CBSE का BRC डेवलप हो रहा है, अगले अप्रैल से वो पूरा तैयार हो जाएगा। सातवां बोर्ड का स्कूल बड़ा है ये 6th क्लास से बच्चा रहेगा, बेटा बेटी को बराबर हमारे लिए फर्क ही नहीं, हॉस्टल सारी व्यवस्थाएं हैं। दूसरा इस बार मुझे गाँव में गया था तो एक डिमांड आई थी सर NDA नेवी एयरफोर्स की प्रिपरेशन भी आप कराओ कि बहुत से बच्चे गाँव में इस IIT पर नहीं होते IIT मेडिकल में जाए। तो 8 मार्च के बर्थडे पे हम लोग डिफेंस में नेवी एयरफोर्स और NDA की कोचिंग भी स्टार्ट कर रहे हैं, एक पूरा सेपरेट कैंपस खड़ा कर रहे हैं। तो आप 6th क्लास से लेके अप टू IIT मेडिकल NDA आप बच्चों को हमारे साथ जोड़ सकते हैं और एक पारिवारिक वातावरण है ये बहुत अच्छा सा वातावरण है, सब बैठे हैं गार्जियन बैठे हैं, ये एक तरह से बड़े घर की बड़ी पंचायत है। तो ये दोनों बच्चों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। थैंक यू।